हेलो फ्रेंड्स, ICICI बैंक की कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या फिर मिनी स्टेटमेंट्स देखने के लिए सबसे पहले आप ICICI बैंक की जो इंटरनेट बैंकिंग की जो वेबसाइट है उस पर जाकर अपना अकाउंट लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने पर जो विंडो ओपन होगा उसमें लेफ्ट साइड पर आप कुछ ऑप्शंस देख पाएंगे जिसमें है होम, अकाउंट्स, ट्रांसफर्स, ट्रेड, टैक्स, सर्विसेज, अदर सर्विसेज, प्रोफाइल वगैरह कई सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप उस अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वहाँ पर एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें ऑपरेटिव अकाउंट्स, डिपॉजिट अकाउंट, लोन अकाउंट्स वगैरह कई सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको ऑपरेटिव अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो आपका अकाउंट है वो उसकी डिटेल्स शो होगी एंड उसके साइड में एक ऑप्शन आप देख पाएंगे जो कि एक्शंस के नाम से है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वहाँ पर एक लिस्ट ओपन होगी, उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है व्यू मिनी स्टेटमेंट। अगर आपको मिनी स्टेटमेंट बेसिकली आपके अकाउंट से हुए जो लास्ट 10 ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना वो होते हैं, अगर मान लीजिए आपको वो देखने हैं तो आप मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करें। अदरवाइज अगर आपको अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, जो कि मान लीजिए आपको अगर पर मंथ की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखनी है या फिर किसी किसी एक पर्टिकुलर दिन से किसी दूसरे पर्टिकुलर दिन तक आपको जो ट्रांजेक्शन कितने किए हैं आपने वो देखने हैं, तो वो आप व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तब एक नेक्स्ट विंडो में आप कई सारे ऑप्शंस देख पाएंगे। इसमें बेसिकली टू फील्ड जो है वो मैंडेटरी है, मतलब अगर ये ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन जो आपके आपको भरना ज़रूरी है, बाकी जो सारे ऑप्शन हैं वो किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को देखने के लिए बनाए गए हैं। मतलब आपको ओनली ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन भरना है एंड देन गेट स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन में आपको कैसे भरना है देखिए, सबसे पहले आप इस कैलेंडर वाले लोगो पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वहाँ पर एक कैलेंडर ओपन होगा। इस कैलेंडर में मैं आपको वो एक डेट चूज करनी होगी जिस डेट से आपको ट्रांजेक्शन चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे दिसंबर का ट्रांजेक्शन चाहिए तो मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिसंबर ले आऊँगा। देन दिसंबर में आप मेरे को वो डेट चूज करनी होगी जिस डेट से मुझे ट्रांजेक्शन चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे एक से चाहिए तो एक पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे 5 तारीख से ट्रांजेक्शन चाहिए तो 5 तारीख पर क्लिक कर दूंगा। देन सेकेंड फील्ड में मैं क्या करूँगा, फिर से कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करूँगा। देन फिर से दिसंबर मंथ चूज करूँगा। देन मैं वो डेट चूज करूँगा जहाँ तक मुझे ट्रांजेक्शन चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे 31 तक चाहिए तो 31 चूज कर लूँगा। अगर मुझे 22 तक चाहिए तो 22 चूज कर लूँगा। आप देखिए यहाँ पर मैंने 5 दिसंबर 2016 तक से स्टार्ट होकर 22 दिसंबर 2016 तक की ट्रांजेक्शन फिल किए हैं। ओके, नाउ आप गेट स्टेटमेंट पर क्लिक कर वो ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर रेंज वाले ट्रांजेक्शन चाहिए, तो आप एडिशनल फिल्टर क्राइटेरिया में जाकर भी वो चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बेसिक आपको सिंपली सारे ट्रांजेक्शन जो आपने किए हैं वो देखने हैं तो सिंपली गेट स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट विंडो में आपके उसी ब्राउजर में उसी विंडो में आपकी जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है, आपकी जो ट्रांजेक्शन की लिस्ट है वो बेसिकली इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको फ्यूचर के लिए सेव रखना है तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपली कुछ ही नहीं करना, आपको ओनली सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पर एक 3 ऑप्शन होंगे, PDF का, टेक्स्ट का और एक्सेल्स का। इसमें होता क्या है कि बेसिकली PDF फाइल जो होती है वो प्रिंटेबल फाइल होती है, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप PDF फाइल नॉर्मली सही फाइल होती है तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पर इस पर क्लिक करके। अदरवाइज अगर आपको टेक्स्ट फाइल चाहिए तो टेक्स्ट फाइल भी कर सकते हैं या फिर XLS फाइल जो कि आप MS Excel में ओपन करते हैं वाली फाइल होती है। नॉर्मली आप PDF फाइल सही फाइल है क्योंकि ये मोबाइल में भी आप सिंपली ओपन कर पाएंगे। तो PDF पर जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पर एक डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिख रखा है ऑप ट्रांजेक्शन हिस्ट, तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो आप इस पर डबल क्लिक कर आप वो स्टेटमेंट देख पाएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।
हैव फन।